हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम टीचर ऑफ क्लास एलकेजी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स पार्ट 3। चलिए हम 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग आज रीड करने वाले हैं, जिसमें मैंने 1 से लेकर 20 तक आपको ऑलरेडी सिखा दी है। किस तरीके से सिखाई थी, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व, 1 स्लीपिंग लाइन, 2 हाफ कर्व, 1 अप कर्व स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। इस तरीके से सारी मैंने आपको नंबर्स बनाना सिखाए थे फर्स्ट टाइम। फिर सेकंड टाइम मैंने आपको 11 से लेकर 20 तक का भी सिखाया था, है ना। अब हम आगे का काउंटिंग सीखेंगे, ठीक है। 21 टू, अगर हमको 1 से लेकर 10 तक आ गए तो हम सारे नंबर्स आसानी से लिख सकते हैं। 2 हमको आता है कर्व और 1, 21 2 2 22। एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर 2 की लाइन स्टार्ट हुई तो 2 2 2 2 आएंगे सभी जगह, है ना। 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29। और जैसे ही 9 के बाद 0 आता है तो चेंज हो जाती है लाइन, 3 0 30। अब कौन सी लाइन आएगी, 3 की लाइन, 3 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी, 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, 4 0 40। और अब कौन सी लाइन स्टार्ट हो गई, 4 वाली, 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49, और 5 0 50। इस तरीके से क्या किया हमने, 1 से लेकर 50 तक की काउंटिंग साथ राइट की है। आपको भी उसी तरीके से मुझे लिखकर दिखानी है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ओके, थैंक यू।